क्या नाम है आपको? कैसा रहा एग्जाम? कैसा लेवल क्या था जो पहला एग्जाम था, पहला जेई जो था और दूसरा जेई थोड़ा डिफिकल्ट था या फिर मैथ में बात करें तो थोड़ा टफ था, मैथ और केमिस्ट्री की जी था, अमल मोड था केमिस्ट्री, फिजिक्स जो था ईजी था, फिजिक्स ईजी था और मैथ थोड़ा सा लेंदी और केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड थी। हाँ अच्छा, फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें आई थी, कहाँ कहाँ से पूछा गया था, लाइक क्या एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन आए थे, कुछ क्वेश्चन जो मैथ फिजिक्स और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से एक आया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से भी एक आया था, करंट इलेक्ट्रिक से दो आए थे, तीन आए थे, कुछ क्वेश्चन याद था केमिस्ट्री कुछ याद है कहाँ कहाँ से आया था? केमिस्ट्री में केमिकल प्रोटिक्स से आया था एक, फिजिकल केमिस्ट्री थोड़े कम से थे, फिजिकल से कम थे, यही कोई छः क्वेश्चन समथिंग थे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ज़्यादा। हाँ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ज़्यादा थी, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ईजी थी, मतलब टफ भी नहीं थी, ठीक थी, केमिस्ट्री ठीक था, फिजिक्स भी ठीक था, ईजी था फिजिक्स, मैं थोड़ा टफ टफ था। फिजिक्स में सेमीकंडक्टर वगैरह से भी नहीं आया था? नहीं आया, सेमीकंडक्टर से नहीं आया, कम्युनिकेशन सिस्टम से भी नहीं आया, मॉडर्न से भी क्वेश्चन नहीं बना, एक आया था बस, ज़्यादातर मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। हाँ हाँ, काइनेमेटिक्स दो क्वेश्चन थे और रे ऑप्टिक्स और ये वेव ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से भी कम थे, और उसमें से एक क्वेश्चन थे अल्टरनेटिव करंट से, मैग्नेटिक फील्ड से भी थे। तो ज़्यादा मतलब मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फोकस था, इसमें ऑप्टिक्स मॉडर्न और थर्मोडायनेमिक्स हमेशा ज़्यादा वेटेज देना होता थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थैंक यू।